आज हम रेस्पिरेशन के प्रोसेस के रेगुलेशन के बारे में आपको बताएंगे। तो ह्यूमन बीइंग के अंदर ये एबिलिटी होती है कि वो अपने रेस्पिरेटरी रिदम को मेंटेन कर सके और अपने बॉडी के टिश्यूज की डिमांड के अकॉर्डिंग उनको चेंज कर सके। और ये प्रोसेस हमारी बॉडी के अंदर हमारे नर्वस सिस्टम की हेल्प से होता है। हमारे ब्रेन के मेड्यूला वाले रीजन में एक रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर पाया जाता है जो प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल होता है इस तरह के रेगुलेशन के लिए। इसके अलावा एक और सेंटर भी पॉन्स वाले रीजन में, ब्रेन के पॉन्स वाले रीजन में न्यूमोटैक्सिक सेंटर प्रेजेंट होता है जो रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर के फंक्शंस को चेंज कर सकता है। तो जब इस सेंटर से जो है न्यूरल सिग्नल जाएंगे तो वो इंस्पायरेशन के ड्यूरेशन को कम कर देंगे। इस तरह से रेस्पिरेटरी रेट जो है वो चेंज हो जाएगा। एक और कीमो सेंसिटिव एरिया जो है इसी से रिदम सेंटर के पास प्रेजेंट होता है जो हाईली सेंसिटिव होता है। अब ये हाईली सेंसिटिव है कार्बन डाइऑक्साइड के लिए और हाइड्रोजन आयन के लिए। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन बढ़ती है तो ये सेंटर एक्टिवेट हो जाता है और रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को मैसेज देता है कि नेसेसरी एडजस्टमेंट्स की जाएं। और फिर रेस्पिरेशन के जो प्रोसेस है उसके रेट को तेज करके क्या किया जा सकता है, एलिमिनेट किया जा सकता है जो भी कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा हो गई है। तो इसके अलावा कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं एरोटिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में भी जो कि हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोजन आयन की कंसंट्रेशन को रिकॉग्नाइज कर लेते हैं और फिर सिग्नल भेजते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर को जिससे कि रेमेडियल एक्शन हो सके। अब इस प्रोसेस में ऑक्सीजन का जो रोल है रेस्पिरेटरी रिदम में वो बिल्कुल नेग्लिजिबल होता है। तो ये था रेस्पिरेशन का रेगुलेशन।